बहुत से लोग ये शिकायतें कर रहे होते हैं कि रमजान की रातों में लड़के क्रिकेट बहुत खेलते हैं, और मैं भी कल आ रहा था, पूरी रात क्रिकेट खेलते रहते हैं इधर गली महलों में, तो मुझे शिकायत थी, बाज लोग कहते हैं यार इनको मना करो। देखो मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो लड़के रात को लौंडे लपाड़े क्रिकेट खेल रहे हैं ना, ये रात को खेलना इसकी अलामत है कि दिन में रोजा रख रहे हैं, वरना दिन में खेल रहे होते हैं ना। नहीं यार ये बात समझ, तो ये बेचारे लौंडे लपाड़े अगर दिन में रोजा रख रहे हैं टीन एजेस लड़के, तो इस रोजे पे खुशी मनाओ, इनके क्रिकेट पे क्यों आपको गम हो रहा है, चर्स तो नहीं पी रहे ना पूरी रात बैठ के। मुझे तो ये देख के खुशी होती है कि यार क्रिकेट की ठरक भी इन्होंने नहीं पूरी करनी है, लेकिन अल्लाह का ये फजल है कि ये क्रिकेट इनको रोजे कजा नहीं करवा रहा इनसे, वरना जो क्रिकेट के शौकीन होते हैं वो कहते हैं यार हमने चूंकि दिन में क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमसे रोजा नहीं रखा जा रहा। इन लड़कों ने क्या किया यार, क्रिकेट तो खेल रही है तो अब रमजान में दिन में रोजा रखना है तो क्रिकेट कब खेल लो, रात को खेल लो। तो इस पे मेरा ख्याल है खुश होने का ये मौका है, क्या ख्याल है? और दूसरी बात ये कि पबजी तो नहीं खेल रहे ना, स्नोकर से, डब्बू से, ताश से, ये जो फजूल किस्म के गेम है इनसे तो फिर भी हजार गुना बेहतर है, कुछ भागम दौड़ी हो जाती है, कुछ हिल लेते हैं। बेहतर तो ये है कि रमजान की रातों में इबादत कर लें आप, अच्छी बात तो ये है, लेकिन जाहिर है कितने नेक लोग मार्केट से क्या चल रहे हैं शार्ट टर्म। अभी तो ये शुक्र अदा करो चर्स नहीं पी रहे, आइस नहीं पी रहे, और भी पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई हैं, मेन पूरी है और पता नहीं बहुत कुछ आ गया, वो नहीं कर रहे। तो इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव सोच लेना चाहिए। मैं वाकई खुश, मैं कल रात को आ रहा था तो मैंने देखा गली महल्ले में कराची में ना पूरी रात क्रिकेट चल रहा हूँ, मुझे खुशी इस बात, मैंने लड़कों से कहा, मैंने कहा यार ये इसकी अलामत है रोजेदार है, ये क्या है, ये रात को इसलिए खेल रहे हैं कि दिन में रोजा रख के नहीं खेल सकते। तो इस जमाने में ये लौंडे लपाड़े, ये उतने तो लौंडे लपाड़े टाइप के हैं ना, कोई जिम्मेदारी है नहीं, ना बीवी है ना बच्चे हैं ना कोई पढ़ाई, कराची में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई की फिक्र तो किसी को होती नहीं है जरा सी भी, तो कराची में जो पढ़ के पास हो रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। तो क्रिकेट जो है ना, बेहतर तो यही है कि भाई चलो खेल भी रहे हो तो थोड़ा सा हिस्सा इबादत के लिए रात को निकालो। इन नौजवान लड़कों से मैं कहता हूँ, आप जो क्रिकेट खेल रहे हो शहरी के वक्त में दो चार रकतें तहज्जुद की पढ़ लो, उठे हुए ही होते हो ना, तो दो चार रकतें पढ़ने में क्या जा रहा है, इतनी फजीलत है रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद की, इतनी फजीलत है। तो हम आपको क्रिकेट से मना नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं भाई दो चार रकतें कुछ अल्लाह अल्लाह भी आखिरी वक्त में बोलो कर लो, ठीक है खेल लिया आपने, मुझे तो खुशी होती है, पबजी नहीं खेल रहे, चर्स नहीं पी रहे यार, कोई हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, और वैसे भी थोड़ा एक्टिविटी है, ये भागेंगे दौड़ेंगे तो दिमाग फ्रेश होगा, कोई टेंशन देंगे ये, तो ये खुशी की बात है। दूसरा काम, क्रिकेट में जुआ ना लगाओ। जुआ क्या मतलब, दो टीमें पैसा लगाती हैं, जो जीतती है वो सारा पैसा ले जाती है, तो ये हराम है, नाजायज है।